नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में आउटर रिंग रोड पर एक बड़ा कंटेनर वैन के ऊपर पलटा, वैन में सवार 5 लोग घायल। चश्मदीदों की माने तो घटना आज सोमवार सुबह की है, जब इको वैन के ऊपर यह कंटेनर पलट गया। कंटेनर इतना बड़ा और भारी था कि वैन पूरी तरह से पिचक गई। वैन के हिस्से को काटकर उसमें दबे हुए 5 लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज जारी है। चश्मदीदों की माने तो वैन में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 ड्राइवर था, जिन्हें बाहर निकाला गया। अभी तक किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन वैन में सवार लोगों को चोट काफी आई है। 1 बच्चे के पांव का हिस्सा भी कट गया। फिलहाल इस कंटेनर को आउटर रिंग रोड से हटाने का काम जारी है, और कंटेनर कितना बड़ा हुआ भारी था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं वैन को पूरी तरह से इस कंटेनर ने कुचल दिया। फिलहाल वजीराबाद थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्याम जी, ये जो दुर्घटना हुई है यहाँ पर, वैन के ऊपर ट्रक गिरा है, क्या कहेंगे? 5:30 में लगभग कोई ऐसा हुआ था, 5:30 के करीब, जिसमें 5 लोग, 2 लेडीज थी, 2 बच्चे थे, 3 लोग थे, एक की टांग वाली कट गई है। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया? पुलिस प्रशासन ने गाड़ी काटी है, जब वो तो बच्चे निकाले। में यही कहेंगे कि ये गैस लेकर जा रहे थे और डंपर वाला उधर से आ रहा था और आते वक्त पलट गया। तो इसमें जो लोग थे उनको किसके द्वारा निकाला गया है? गाड़ी काट कर निकाला गया। गाड़ी काट कर निकाला गया, हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया गया उनको। हाँ जी, हाँ जी।